अगर समाज के लिए उपयोगी होना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। स्वयं स्वस्थ होंगे, आज अगर स्वयं स्वस्थ होंगे तो परिवार को स्वस्थ रखेंगे, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ रख पाएंगे, और समाज स्वस्थ होगा तो ही तो स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसीलिए स्वस्थ होने का सच्चा रास्ता है प्राकृतिक चिकित्सा और योग अपना। राइट, तो अभी हम डॉक्टर गुलाब के साथ थोड़ा सा घूमते हैं हॉस्पिटल में। चलिए आइए आइए सर। तो भाई अपन लोग चल चले हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ, और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, काफ़ी सारा नॉलेज का ओवरडोज हो सकता है। आप स्टूडेंट हो, आपके फादर मदर जो हैं स्वस्थ हो, नहीं हो, कोई बीमारी हो, आई थिंक उसके बारे में जो है डॉक्टर गुलाब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो है हमारा कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक ये है बी ब्लॉक, ये बी ब्लॉक है, वो ब्लॉक थ्री है, ब्लॉक थ्री है, और वहाँ पे वो ब्लॉक फोर है। टोटल अपने चार, अरे लंबा है, अभी तो लंबा सफर तय करना है। चलिए सबसे पहले, और हम लोग पहले चलेंगे थर्ड ब्लॉक की तरफ जहाँ पर हेल्थ शॉप है। हेल्थ शॉप का मतलब है कि जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा राइट बुक्स के माध्यम से। दूसरा यहाँ पर हमारा जूस सेंटर है और हेल्दी फूड सप्लीमेंट यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, खास करके इतने सारे बीमारी में हाँ अलग अलग जूसेस स्पेशल होते हैं हाँ। और उन सारी बीमारीज में हम यहाँ पर ट्रीटमेंट के तौर पे, डाइट के तौर पे जूसेस देते हैं। जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन है तो उसके लिए बॉटल गार्ड जूस बहुत इफेक्टिव है, लौकी का जूस। हाइपरटेंशन हाँ राइट। उसके बाद में डायबिटीज है तो करेले का जूस बहुत इफेक्टिव है हाँ। ऐसे एसिडिक डिजीज है तो उसके लिए लौकी का जूस अच्छा है राइट। स्किन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए कैरेट जूस, और अगर कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हाँ। तो उसके लिए व्हीट ग्रास जूस बहुत इफेक्टिव है। बताइए वो सारा जूसेस ये सारे हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। Definitely. और वैसे भी एक हेल्दी इंडिविजुअल को हाँ। लेमन हनी वाटर तो लेना ही चाहिए क्योंकि वो एक लेमन हनी वाटर लेमन हनी एंड वाटर, एक पानी का गिलास आप ले लें, उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ के डाल दें और आधा चम्मच शहद डालें, ये आपका डिटॉक्स भी करेगा और साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। बच्चे जो ज्यादा लंबे समय तक पढ़ते हैं उनको एक एनर्जी बूस्टर की तरह ये काम करेगा। अरे तो गजब, अपने साथ नाइस टिप, ये बना के रख लें, फॉलो दिस टिप प्लीज। इसके बाद बुक्स में अलग अलग बीमारियों के ऊपर भी खास करके हमारे यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं, जो कि पढ़ के यहाँ पर जो साधक आते हैं हाँ। वो यहाँ पर नॉलेज गेन करके जाते हैं और ऐसा नॉलेज गेन करते हैं ताकि जिंदगी में फिर कभी बीमार नहीं पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अरे इतनी सारी यहाँ पे थेरेपीज हो रही है, थेरेपीज जो है वो सारी यहाँ पर ड्रगलेस थेरेपीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कम्प्लीट चलते हैं ट्रीटमेंट विंग की तरफ, ट्रीटमेंट विंग की तरफ। लेकिन यहाँ पे बड़ा सुंदर सा लग रहा है, पहले पहले डॉक्टर गुलाब थोड़ा यहाँ पे दिखा देंगे। बड़ा ये हमारा जो है ना क्रिया स्थल है, अगर यहाँ पर हम देखें जो मॉर्निंग के टाइम पे योगा हाँ। क्लिंजिंग एक्सरसाइजेस हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, इसमें खास करके ऊपर से हाँ, ऊपर से आपको दूंगा कि जल नेति का प्रैक्टिस करते हैं। अब जल नेति, जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम हाँ। छीके आती हैं, जल नेति हाँ, जल नेति हाँ। नेसल इरिगेशन का है खास करके। अच्छा, उसमें क्या करते हैं, एक जल नेति पॉट रहता है, हम नेसल इरिगेशन के माध्यम से ल्यूक वार्म वाटर विद पिंच ऑफ सॉल्ट वो हाँ। एक साइड से भेजते हैं हाँ। नाक में, नॉस्टल हाँ। में, और दूसरे तरफ से भी करते हैं। अच्छा। इससे क्या होता है, जिनको पॉलिप का प्रॉब्लम है, डीएनएस का प्रॉब्लम है, डिविएटेड निसल सेप्टम है, छीके आती हैं, एलर्जी का प्रॉब्लम है, ये सारा ठीक होता है केवल जलनेति करने से। अच्छा, तो लोग कहते हैं हमारी हमारी एलर्जी तो ठीक ही नहीं हो रही हाँ। तो घर जाते हैं, एक महीने तक कंटिन्यू जलनेति करते हैं, उनका एलर्जी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो अगर आप लोग को एलर्जी है तो जलनेति इज द उपाय फॉर दैट, किसी भी तरह की एलर्जी हो तो। और खास करके अगर माइंड को शार्प बनाना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, तो अपने नेजल पॉलिप को दूर रखें, क्योंकि जिन बच्चों को नेसल एलर्जी और नेसल पॉलिप होता है या डीएनएस का प्रॉब्लम होता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता, क्योंकि पूरा दिन सर में जो है ना भारीपन रहता है, सर दर्द रहता है, और छींके आना और वो रनिंग नोज होना हाँ हाँ। उनके लिए सबसे अच्छा टिप है, अगर आप ये करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर गुलाब की जितनी भी टिप्स हैं, अभी ये हम घूमने के बहाने जो है सर का पूरा नॉलेज हम लोग यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो चलते हैं आगे और ट्रीटमेंट विंग की तरफ।
जो जो ट्रीटमेंट्स हम पॉसिबली व्यू कर सकते हैं वो उनके बारे में मैं बताता भी जाऊंगा। हाँ। और कुछ चीजें जो प्राइवेसी के कारण हम व्यू नहीं कर सकते हैं उनको फिर हम लोग विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सामने देख पा रहे हैं हम कोलन विंग के फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पर कोलोन हाइड्रोथेरेपी का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अच्छा। और खास करके कोलोन इसलिए करते हैं कि परसेंट बीमारियां जो है लार्ज इंटेस्टाइन से ही पैदा होती है। अच्छा। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एनस है, ये रेक्टम है, ये डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और असेंडिंग कोलन। जब मल इस लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो ये कॉन्स्टिपेटेड मल होता जाता है क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता जाता है। तो यहाँ मल जो है वो ज्यादा लंबे समय तक रुकता है। अच्छा। और जब रुकेगा तो कब्जियत पैदा करता है, गैसेस पैदा करेगा और बीमारी पैदा करेगा। राइट। हमारा काम है इसको क्लीन रखना। ओके। और ये सबसे बड़ा चैनल है एलिमिनेटिव ऑर्गन का। अच्छा। इसके लिए हमारे पास कोलोन हाइड्रोथेरेपी इरिगेशन का प्रोसेस है। हाँ। जिसमें कि टॉक्सिन्स को एक्सपेल आउट करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यूनिटी ऑफ क्योर और यूनिटी ऑफ डिजीज, बीमारी का एक ही कारण है मल का जमा होना। हाँ। और उसको ठीक करने का एक ही उपाय है मल को शरीर से बाहर निकालना। बाहर निकालना। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए। अच्छा। जिनको भी अल्सरेटिव प्रॉब्लम है। हाँ। जिनको भी गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है और जिनको गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के कोई भी संबंधित बीमारियां हैं, जैसे मैं एक ऐसे पेप्टिक डिजीजेस के बारे में बात करूं। हाँ। या अपना अल्सर्स के बारे में बात करूं, उन सब में बीमारी तभी होती है जब मल ज्यादा समय तक जमा रहेगा। अच्छा। पर मल अगर निकल जाएगा तो बीमारी निकल गई। बीमारी निकल गई। स्वस्थ रहने का सच्चा उपाय है अगर टॉक्सिन्स को देखो हम लोग। हाँ। हम लोग, मेरे को लगता है हम लोग रोजाना इतनी सारी चीजें खावा लेते हैं। yes। पता नहीं क्या क्या खाते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज। हाँ, आप सही बोले। जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, डस्टबिन है। हाँ। हम रोज क्लीन करते हैं। हाँ। अपनी डस्टबिन रोज क्लीन नहीं करते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हो गए। हाँ, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो इसीलिए नेचुरोपैथी में आपकी क्लीन करेंगे, ये पूरा क्लीन हो जाता है। यस। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी की तरफ। एक्यूप्रेशर मतलब क्या होता है सर? क्या होता है कि हम हमारे हाथ में और पंचर में हम चलते हैं। अच्छा। एक्यूपंचर में क्या होता है कि मेरिडियंस होती हैं हमारे बॉडी में। हाँ। और वो खास करके इन मेरिडियंस में ची फ्लो होता है। हाँ। ची एक एनर्जी है, जैसे वाइटल एनर्जी है, तो ये मेरिडियंस का एनर्जी है ची। अच्छा। ये जहां पर भी ब्लॉक करेगा वहां पर दर्द पैदा करेगा। तो जैसे बैक पेन का प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, प्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, इन सब में एक्यूपंचर बहुत लाभदायक है। अगर एक्यूपंचर का 10 सेटिंग्स लेते हैं तो ये पेन एनाल्जेसिक इफेक्ट को इंक्रीज करता है, मतलब एनाल्जेसिक पूरी तरह से आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा। उसको चैनलाइज चैनलाइज कर दो पूरा। तो वो ब्लॉकेजेस को हमको रिलीव करना है और ये ब्लॉकेजेस जैसे ही रिलीव होते हैं हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। जैसे इम्पल्स है, रिफ्लेक्स एक्शन में काम करती हैं। जैसे ही दूसरे हाथ में कुछ हुआ तो सेंस करेगा, ब्रेन तक इम्पल्स जाएगी और ब्रेन पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ हर्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में उसको हटाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एक्यूपंचर जब हम प्रिक करते हैं तो ओवरक्राउडिंग करता है थैलेमस में। अच्छा। और वो वहां से पेन को रिलीव करने की कोशिश करता है। तो अच्छा। हमको पूरा जो है उसमें बेनिफिट मिलता है। अच्छा। ब्रेन को सिग्नल दो, ब्रेन फिर अपना काम करेगा। अरे साइंस है। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ तो आप मेरे को भी समझ में आ रहा है। और एक्यूप्रेशर में लोग केवल रिफ्लेक्स यूज करते हैं। अच्छा। जैसे हाथों में और पाम्स में। हाँ। रिफ्लेक्स पॉइंट्स रहती हैं, ऑर्गन्स जो है वो रिफ्लेक्टेड रहते हैं। तो हाँ। इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना है तो हम पाम्स में प्रेशर देते हैं और सोल्स में प्रेशर देते हैं, जिससे कि उनका डेडिकेटेड एरिया जो है। हाँ। वो स्टिमुलेट होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पूरे बॉडी को रिफ्लेक्ट किया गया है पाम्स में और ये पूरे बॉडी को रिफ्लेक्ट किया गया है हाथों में। अच्छा। इनको स्टिमुलेट करने का और सर्कुलेशन इम्प्रूव करने का काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। ओके, दैट इज एक्यूप्रेशर। या। और वो था एक्यूपंक्चर। ये दो अलग अलग चलते हैं फिजियोथेरेपी में। ऑल राइट। फिजियोथेरेपी में खास करके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड नर्व्स। हाँ। वो रिलेटेड जॉइंट्स और लोकोमोटर डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, जैसे बात करें कि स्पेशल चाइल्ड्स हैं, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स हैं, पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, बैक पेन के पेशेंट्स हैं, इंडेस प्रोलैप्स के पेशेंट्स हैं, ये सारे ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फिजियोथेरेपी में। यहाँ पर ऐसी कृपा है कि इतना फायदा होता है फिजियोथेरेपी में, पैरालिसिस वाले पेशेंट्स जो हैं वो वॉक करके जाते हैं, यहाँ से व्हीलचेयर पे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल
टू स्ट्रेंथन योर मसल्स, आपकी मसल्स का एंड्योरेंस पावर बढ़ाना है, आपकी मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दिनचर्या में हम व्यायाम का नियम अपनाते हैं। जब व्यायाम का नियम अपनाएंगे तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। फ्लेक्सिबल रहेगी, बहुत सही। चलो तो आई होप आप लोग ये करेंगे। अब अपन चलते हैं। अब किधर जा रहे हैं अपन? अब हम लोग चल रहे हैं नेचुरोपैथी के जो ट्रीटमेंट्स हैं, हाँ, जो ट्रीटमेंट्स देते हैं वहाँ पर चल रहे हैं। ऑल राइट, तो ट्रीटमेंट विंग में ही चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर हम नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स देते हैं प्राइवेट वार्ड में, और एक ही रूम में सारे ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, जहाँ पर स्पेशली आपने भी एक्सपीरियंस किया है, हाँ, और उसमें मसाज है, फुल बॉडी मसाज है। हाँ, राइट राइट राइट, स्टीम है। अरे राहुल, ठीक है सर, कैसे हो? ठीक है। यही है भैया जो हर रोज जो है हम लोग को पकड़ पकड़ के ट्रीटमेंट देते हैं, धोते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है कि हम लोग ट्रीटमेंट, और अंदर जो है वो आयुर्वेदा का विंग है। हाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एक रूम का ओवरव्यू ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, हाँ, यहाँ तो अपना मसाज होता ये है। जैसे आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, तो पहले हम मड पैक एप्लीकेशन करते हैं। मड पैक एप्लीकेशन करने से क्या होगा, हाँ, कि एब्डोमेन के ऑर्गन्स रिलैक्स होंगे, पेरिफेरी से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंटरनल ऑर्गन्स में फ्लशिंग होगी, तो वहां से क्लिनजिंग प्रोसेस चालू होगी। और इंटेस्टाइन, जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिन्स का मेन जो रूट कॉज है वो इंटेस्टाइन में है, तो वहां से एलिमिनेट करने के लिए वो सूदनिंग और कूलिंग इफेक्ट देगा जब मड पैक एप्लीकेशन करते हैं। Okay. तो पहले मड पैक एप्लीकेशन एब्डोमेन और आइस पे, हाँ, उसके बाद पैक्स देते हैं सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, हाँ, उसके बाद में फुल बॉडी मसाज, हाँ, और फिर स्टीम बाथ होगा। फिर स्टीम बाथ, हाँ। स्टीम का क्या बेनिफिट होता है सर? खास करके जो मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे स्टीम मैं करता हूँ ना, तो उसके बाद फिर मतलब काफी रिलैक्स फील करते हैं, मतलब काफी सारा पसीना। हाँ, होता क्या है ना, वैसे पहले के जमाने में आप देखेंगे कि धूप स्नान ज्यादा लोग लिया करते थे, मतलब धूप में बैठ जाना, कपड़े मिनिमाइज क्लोथ में बैठ जाना, तो सर्कुलेशन बढ़ाता था स्किन की तरफ। हाँ, अब क्या है ना, हम कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, हाँ, हाँ, एक्सपोज नहीं करते हैं, टाइम नहीं है, इतना हमारा फास्ट लाइफ हो चुका है कि हम सन में एक्सपोज नहीं कर पाते, इसीलिए 90% लोग जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी से अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। पर अगर वही प्रोसेस मैकेनिकली हम लोग प्रोवाइड करें, तो स्टीम बाथ जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा पेरिफेरी में, जिससे कि टॉक्सिन्स का फ्लशिंग भी होगा। राइट, तो स्किन के पसीने के माध्यम से स्किन से टॉक्सिन्स एक्सपेल आउट होंगे। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, और वो टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में भी लार्जेस्ट ऑर्गन है जो बॉडी से टॉक्सिन्स को एक्सपेल आउट करेगा। बहुत तो सही। ये आप देखेंगे, ये हिप बार स्टब्स हैं। अच्छा, हाँ, ये वाले हिप बार स्टब्स हैं, और इसमें खास करके वो लोग जो कि एसिड पेप्टिड डिजीजेस से सब अफेक्टेड, हमें डाइजेस्टेड रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसमें एप्लीकेशंस जो रहती हैं, हॉट एंड कोल्ड रहता है, तो 3 मिनट हॉट का करते हैं, 2 मिनट कोल्ड का करते हैं। हॉट जो है वो डायलेट करता है, तो इंटेस्टाइन को डायलेट करेगा, जो भी मल जमा है वो नीचे गिरेगा और बॉडी से फ्लशिंग होगी। जब कोल्ड में बैठेंगे तो वो स्क्वीज करके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल। अच्छा, मतलब हॉट जो है फ्लशिंग का, हॉट फ्लशिंग किया, कोल्ड ने स्क्वीज करके निकाल दिया। गजब गजब, सो दिस इज इट। उसके बाद अब हम चल रहे हैं आयुर्वेदा के विंग में। भाई आयुर्वेदा का विंग चल रहे हैं, ये थोड़ा साइलेंट विंग है, इसके अंदर बात नहीं करेंगे, बहुत कम बात करेंगे। Right. हम ट्रीटमेंट के लिए बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर बाहर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, yes. बंद है क्या? नहीं, अच्छा खुला है। यहाँ की तो उससे वो जो आ रही है स्मेल, वही डिफरेंट है। हाँ, तो चल तो नहीं रहा कहीं पे? अच्छा, ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो जैसा कि अपन अंदर चले थे अपन, पर वहाँ पर थेरेपी चल रही है, इसीलिए वहाँ पर हम बात भी नहीं कर सकते और जा भी नहीं सकते।
पर आयुर्वेदा के बारे में कुछ टिप्स मैं शेयर जरूर करूंगा, बिल्कुल, और खास करके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स मेरी क्लास में क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिए 2-3 घंटा, फिर बोलेंगे सर ब्रेक दे दो। ब्रेक में क्या करते हैं, उनको चाहिए चाय, उनको चाहिए कॉफी, किसी को सुट्टा मारना है, इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ ये सारी चीज़ें जो है ना, दीज आर दी स्टिमुलेंट्स। हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ के जो है ना हम रिफ्रेश होके आते हैं, तो इसीलिए सुट्टा मारने चले गए, चाय पीने चले गए। एक्चुअल में अगर आप देखें तो वो डिस्ट्रैक्शन है आपका, वो पढ़ाई की लेंथ का जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें, उससे अच्छा है कि कुछ हेल्दी टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, वो अगर करते हैं तो वो बेस्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे जूस के टाइम पे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि लेमन हनी वाटर ले लें, अब यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि एक गिलास पानी ले लें, उसको थोड़ा बॉयल कर लें, अदरक जो है उसको कूट के उसके अंदर बॉयल करने के लिए डाल दें। अच्छा, जैसे ही वो ल्यूकवॉर्म थोड़ा सा बंद कर दें, ल्यूकवॉर्म हो जाए, उसके बाद आधा लेमन और आधा चम्मच शहद, ये जब लेते हैं तो वही सेम फीलिंग आती है जो चाय की फीलिंग के बाद में आएगी। हाँ। या सुट्टा मारने के बाद में। तो इससे अच्छा है कि आप ये करें, और ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी को हेल्थ प्रोवाइड करेगा, आपके पढ़ने में आपको ईज करेगा। राइट। जबकि वो चीजें जो है ना आपके शरीर को नुकसान करेंगे। और वो उनमें चाय में टैनिन है, टैनिन जो है वो अगेन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगी, ज़्यादा तेज फंक्शनिंग उनका होगा तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर। वैसे ही स्मोकिंग आपके लंग्स को अफेक्ट करेगी, आपका ब्रीदिंग अफेक्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि आप क्यों ना हेल्दी मेजर्स लें। वैसे ही अगर स्टूडेंट्स हैं नियर अराउंड, अगर आपके यहाँ पर आयुर्वेदा में शिरोधारा एक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, पूरा माइंड रिलैक्स कर देगा। शिरोधारा में जैसे आज मैं लेने वाला हूँ फर्स्ट टाइम शिरोधारा, मैंने अभी तक शिरोधारा नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से मसाज, मड पैक, जी एच पैक, हाँ, और स्टीम, ये सब चीज़ें तो मेरी रेगुलरली चली रही हैं। लेकिन आज डॉक्टर गुलाम ने बोला कि आपने एक बार शिरोधारा लेके देखो, मैं बोला मैं तो ज़्यादा टेंशन लेता नहीं, तो इन्होंने कहा कि टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार आप शिरोधारा करके देखोगे ना, यू विल फील द क्लैरिटी इन योर माइंड। तो क्लैरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, क्लैरिटी है, रिलैक्सेशन है, फीलिंग ऑफ वेलनेस है, गुडविल है, गुडविल है, ये सारी चीजें जो है, माइंड आपका रिलैक्स हो ना तो आपको कितना काम करने में मजा आता है। पर इरिटेटेड हो, गुस्से में हो, एंजाइटी में हो, फिर तो कुछ नहीं। तो आप मान के चलिए कि आज अभी आप जो रिलैक्स फील कर रहे हैं ना शिरोधारा में, उससे 80% और ज्यादा मैं आपको रिलैक्स फील कराऊंगा। तो आप इमेजिन कर लो कि अपना माइंड स्टेट जो है कितना रिलैक्स जो रहेगा। चलो बढ़िया। तो ऐसे ही उपटन मसाज भी है जो कि पूरे बॉडी का, जैसे पाउडर मसाज होता है, ऑयल मसाज किया ना, वैसे ही एक ऑप्शन है पाउडर मसाज। काफी लोगों को ऑयल से एलर्जी होती है, हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स होती है, हाँ, उस कंडीशन में फिर हम लोग जो है टर्मरिक पाउडर, नीम पाउडर को मिक्स करके उपटन मसाज है या पाउडर मसाज है वो यूटिलाइज कर। ग्रेट। और खास करके मेंटल एफिशिएंसी बढ़ाना और जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्लियरिटी रखना, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, और खास करके एलर्जी के लिए भी बहुत अच्छा है। नस्य ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। नस्य में क्या करते हैं, ऑयल पुलिंग होता है, तो उसमें 3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के पुल करवाते हैं, जिससे कि पूरा माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, माइंड तक पुल होता है पूरा। अच्छा। और वो पूरा जो है ना अपना मतलब नाक से लेकर पूरा माइंड का रिलैक्स करते हुए थ्रोट से जो है ना ऑयल पूरा चैनल क्लीन कर देता है। तो इसमें सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है, नेजल एलर्जी का प्रॉब्लम है, या कंजेशन है, उसमें भी काफ़ी बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन। देखो आप लोग को कितनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डॉक्टर गुलाब दे रहे हैं आपको। तो अब अपन लोग जा रहे हैं ब्लॉक 4, जो कि है हमारा रेसिडेंशियल विंग है, जहाँ पर साधक जो है वो बाहर से आते हैं, ऑल ओवर द कंट्री, एंड ये यहाँ पर आके रुकते हैं, रुक के ट्रीटमेंट। ग्रेट। यहाँ पर पेशेंट्स को अंदर देखेंगे तो पेशेंट्स को अवेयर करते हैं हम लोग यहाँ पर बैठा के। अच्छा, कैसे ये खाने के बारे में, शायद इन्फॉर्मेशन के बारे में भी, हेल्थ के बारे में देंगे क्या होगा यहीं पे जो लोग आते हैं सब यहीं पे रहते हैं, रुकते हैं। यस।
और यहीं पर उनके खाने का अरेंजमेंट रहता है। ओके, खाना भी यहीं पर खाते हैं। अच्छा, हम लोग उनको हेल्दी फूड करते हैं, हेल्दी फूड। अच्छा, डाइट अगर आप देखेंगे क्या क्या है जी खाने में। सैलेड, अच्छा ओके, ये सब है इनके अंदर। ये कौन सी चटनी है? ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने। ग्रीन चटनी जो है धनिया पुदीने की चटनी टेस्ट एड ऑन करती है। जैसे खिचड़ी के साथ में अगर लगता है कि यार ये ऐसा खाना कौन खाएगा, हाँ, तो उनको फिर खिचड़ी जो है वो एक चटनी के साथ में काफी। ओके, ये है खिचड़ी, खिचड़ी वेजिटेबल। क्या बात है, मेरे को देख के भी खाने का मन करने लग गया है। हाँ हाँ हाँ, दाल, ये दाल हो गई। गजब गजब गजब। तो ये है हेल्दी फूड जो हम लोग यहाँ पर साधकों को प्रोवाइड करते हैं। हाँ, सो अब यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ गए, और बाय बाय आप सबका। हाँ, और खास करके आपका। अरे नहीं, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। नहीं, मेरे को लगा जरूरी है शेयर करना करके, तो आउट ऑफ लाइक यू नो, मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न होता है ना कि ऐसी चीजें नेचर अपन अपनी खुद का इस्तेमाल करके अपने को अच्छे से रख के अगर अच्छा कर सके, हाँ, तो व्हाई नॉट। यस, तो आपने इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी बच्चों, कंसंट्रेशन के लिए जो कुछ टिप्स दिए, हेल्थ रिलेटेड कुछ टिप्स दिए, कुछ चीज़ें आपने बताई कि जैसे क्या क्या कर्स किया जा सकता है, नेचुरोपैथी में क्या क्या होता है, एकदम बिल्कुल एकदम क्लोज एनकाउंटर से आपने बताया एकदम क्लोजली, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू आपका। मैं आपको स्वस्थ रखूंगा, तो आपके साथ में जितने बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं उनको आप स्वस्थ रखेंगे। तो माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू मेक यू हेल्दी, और आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि उनको एजुकेट तो करें पर साथ ही साथ उनको हेल्दी भी रखना। बिल्कुल, तो ये हमारा पर्पस है। आप एंजॉय करिए आज का थेरेपी, और डेफिनेटली आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे से शेयर जरूर। डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू।